23 के पेपर की एनालिसिस अगर हम करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो पेपर जैसे पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा ट्रिकी है। फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पार्ट को देखें तो फिजिकल में क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं, फार्मूला बेस्ड है। इनऑर्गेनिक एज यूजुअल एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा एप्लीकेशन है। आइए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसको रिएक्ट करा रहा है और आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब इसमें देखना है आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दो हैं, एक कीटोन का ग्रुप है और दूसरा एल्डिहाइड है, और साथ में जो रिएजेंट रखा है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस रिएजेंट है। तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जब आप कार्बोनिल ग्रुप को रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सीओ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में है तो हमको साल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट।